अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाजिर हैं हमसे फिर नई प्रोडक्ट्स के बाद। लेकिन जो प्रोडक्ट्स आपको सामने नज़र आ रही हैं इनका रिव्यू मैं आपको दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी एक बहुत ही ज़रूरी रिव्यू जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो है ऑर्गेनिक ट्रैवल का एक ब्रांड है जिसका नाम है रिवाइंड। आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर इसकी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी और हाइप देखेंगे और आप डिफरेंट यूट्यूबर्स को जिन्होंने अपने लोग हायर किए होते हैं और एक मतलब हाई फाई सी वीडियोज़ बना के पेश कर रहे होते हैं और दिखाते हैं आपको कि ओहो हमने जस्ट रिवाइंड यूज़ किया है और रिवाइंड यूज़ करने के बाद हमारी स्किन में यूथफुल ग्रो आ गई है और स्किन ही चेंज हो गई है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने पैसे वेस्ट मत करें और ये प्रोडक्ट ना यूज़ करें। मैं आपको ट्रूली और सिंसियर एक एडवाइस दूँगी इसके अंदर। अगर आपकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है और अगर आपने ये रिवाइंड नाम का ये सीरम जो है वो यूज़ कर लिया, तो एक्सपेक्टेड है कि आपको बेतहाशा किस्म के एक्नी निकल आएंगे, ठीक है, और आपकी स्किन ब्रेकआउट्स का शिकार हो जाएगी और इतना ज़्यादा मसले का शिकार हो जाएगी कि जिसको संभालना कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ये इस तरह से है ऑयल, बेसिकली ये कहते हैं कि ये सीरम है बट इट्स नॉट अ सीरम। ये एक ऑयल है जो कि ऑलरेडी ऑयली स्किन पर अगर आप अप्लाई करते हैं, ये देखें मैं शायद इसको दिखा सकूँ आपको, ये ऑयल बेस है। हाँ ये नज़र आ रहा है, अब आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये सीरम नहीं है, ये बेसिकली एक ऑयल है जो कि आपको फूल बनाने के लिए बेचा जा रहा है मार्केट में, ठीक है। हाँ अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है आपकी, तो फिर आप ये अप्लाई करें और वो भी हफ्ते में जस्ट दो बार अप्लाई कर लें तो भी आपकी स्किन एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है उस पर आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनरिच ऑयल है। बेसिकली दे आर यूजिंग सम ऑयल फॉर इट्स प्रिपरेशन, लेकिन ये सीरम नहीं है। इसको आप सीरम समझ के अगर अपने फेस पे लगाना शुरू कर देंगे, अगर आपकी ऑयली स्किन है या कम्बिनेशन स्किन भी है, तो प्लीज़ डोंट ट्राई इट। ये इसका ब्रांड नेम है ऑर्गेनिक ट्रेवलर, रिवाइंड इसका नाम है और ये कहते हैं जी फेशियल सीरम है जो कि ये सीरम नहीं है, ठीक है, यूथफुल ग्लो के लिए। इसके अलावा ये कहते हैं जी 2 ड्रॉप्स लें, मसाज करें अपने फेस पे, इसको लगाएँ। और ये तो कहते हैं कि इट कैन बी यूज्ड एज बोथ अ डे एंड नाइट सीरम। ओह माय गॉड, अगर डे और नाइट सीरम दोनों में आपने यूज़ किया तो आपकी स्किन तो एक्नी प्रोन स्किन बन जाएगी। बिफोर मेकअप एप्लीकेशन टू प्राइमर स्किन, हाँ मेकअप से पहले आप इसको यूज़ कर सकते हैं स्किन पे एक ऑयली सी बेस देने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि मेकअप भी सारा इसके साथ ही बह जाएगा। इसके अंदर इन्होंने मेंशन किया हुआ है इन्होंने क्या डाला हुआ है, विटामिन ए, ई, रोजमेरी एक्सट्रैक्ट है, एप्रिकॉट है, ग्रेप सीड ऑयल, कैरेट सीड ऑयल, जोजोबा ऑयल, 18 ml की बॉटल है। तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो प्लीज़ ये मत यूज़ करें। कम्बिनेशन स्किन है तब भी मत यूज़ करें, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप ये यूज़ कर लें, ट्राई करके देख लें। तकरीबन 1500 to 1800 rupees इसकी प्राइस है, इस तरह से इसकी बॉटल है, बॉटल भी लो क्वालिटी की। आप इसे ऊपर से पकड़ेंगे तो आपके हाथों पे ऑयल आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कहने और दिखाने का मकसद ये है कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा इसकी हाइप है, मॉडल्स एंड डिफरेंट यूट्यूबर्स जो हैं इसको दिखा रहे हैं कि बस हमने ये यूज़ किया और हमारी स्किन जो एक मेरिकल स्किन बन गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही कुछ ऐसा होने वाला है। हल्की सी इसको लगाने के बाद इचिंग भी है मेरे हाथ पर, हल्की इरीटेशन है कहने कि स्किन मेरी जो है वो लग रही है कि उसके ऊपर कोई बहुत बर्डन आ गया है और अब वो अपने आप को लाइट वेट नहीं महसूस कर रही। तो रिवाइंड के यूज़ करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें कि अगर आपकी कम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है या एक्नी प्रोन स्किन है, तो प्लीज़ ये ट्राई करके अपने पैसे भी ना ज़ाया करें और अपनी स्किन भी ना ख़राब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इनका रिव्यू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी, तो देखते रहिए प्रोडक्ट इंसाइक्लोपीडिया। थैंक यू।